हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्रांति प्रकाश झा, यानी कि आपका अपना केपीजे, फिर से लेकर आया हूं एक नई कहानी। ये वाली कहानी भी बहुत कमाल की है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी की कहानियां बहुत कमाल की होती है। और इस कहानी में हम जानेंगे कि हैप्पी रहना क्यों जरूरी है, भले ही आपकी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो। और इस कहानी का नाम भी है बी हैप्पी। हम सब कहीं ना कहीं लड़ते हैं रोज अपनी किस्मत से। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं जैसा चाहता था वैसा तो हुआ ही नहीं, क्यों सारा बुरा मेरे साथ ही होता है। ये सिर्फ आप ही की नहीं, मेरी भी बात है। हम सब ऐसे ही करते हैं, हमेशा सिर्फ कमियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है उसे तो कभी देखते भी नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है, अगर आधा ग्लास पानी का भरा हुआ हो तो आधा ग्लास खाली देखकर मायूस मत हो जाओ, बल्कि यह सोचकर खुश हो जाओ कि आधा तो भरा हुआ है। हमारा हैप्पी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा इसका नाम, बिल्कुल वैसा ही इसका काम। हर वक्त खुश रहता है और पूरी कोशिश करता है कि अपने आसपास वालों को भी खुश रखे। उसके परिवार के लोग हमेशा कहते हैं, हैप्पी की जिंदगी में जो भी लड़की आएगी ना, बहुत खुश नसीब होगी। अरे हैप्पी जो इतना अच्छा लड़का है, यह सुनकर हैप्पी बहुत खुश हो जाता है। हैप्पी का कॉलेज खत्म हो चुका है और उसे बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। तब देर किस बात की है, तो उसके घर वालों ने जल्द से जल्द उसके लिए लड़की ढूंढनी शुरू की। घर वालों ने उससे बहुत पूछा, ओ हैप्पी, अगर कोई लड़की तुझे पसंद है तो बता दे। हैप्पी ने शर्माते हुए कहा, ओ नहीं मम्मी जी, वो कोई लड़की नहीं है, अगर होती तो मैं आपको बता देता। हैप्पी के लिए उसके घर वालों ने एक लड़की का रिश्ता देखा। लड़की का नाम है डिंपल। बहुत ही सुंदर लड़की है और गालों में पड़ने वाले उसके डिंपल तो उसे और भी खूबसूरत बना देते हैं। बस फिर क्या था, अगले हफ्ते लड़की देखने का प्लान बन गया। लड़की वालों के घर पहुंचकर पहले थोड़ी बहुत बातें हुई और डिंपल के वहां आने का समय आ गया। पिंक कलर का अनारकली सूट, कानों में लंबे लंबे झुमके, माथे पर लगी छोटी सी बिंदी, होठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक और हाथों में ढेर सारी चूड़ियां। डिंपल देखने में किसी भी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। डिंपल को देखते ही हैप्पी का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है, जब आप बस किसी को देखकर उसको देखते ही रह गए हों? चांद सा खिला चेहरा, मगर तुम पर कोई दाग नहीं है। आंखों में है ऐसी कशिश कि तुम्हारा मिलना कोई आम बात नहीं है। अब मुझे और वक्त गवाकर अपनी जिंदगी को बेहाल नहीं करना है, मुझे तो जल्दी से बस तुम्हें अपना बनाकर तुमसे बेहद प्यार करना है। हैप्पी के मन में यही ख्याल आ रहा होता है कि तभी उसके साथ आए उसके दोस्त रघु ने उसको कोहनी मारते हुए कहा, हैप्पी भाई मुंह बंद कर, पहले ही लड़की को चने के झाड़ पर चढ़ा देगा तो बाद में तेरे सिर पर बैठकर नाचेगी। हैप्पी थोड़ा सा सीधा होकर बैठ जाता है। हैप्पी की मम्मी ने कुछ सवाल डिंपल से पूछे और फिर हैप्पी को डिंपल के साथ दूसरे कमरे में भेज दिया, जिससे वो दोनों वहां जाकर आपस में बातें कर ले। डिंपल उसे अपने कमरे में ले गई। वहां चारों तरफ शाहिद कपूर की तस्वीरें लगी हैं। छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत है डिंपल का कमरा। हैप्पी के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं और वहीं डिंपल के मन में भी उथल पुथल तो चली रही होती है। हैप्पी ने उससे पूछा, जी आपको क्या क्या पसंद है? डिंपल ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे गोलगप्पे बड़े पसंद हैं। यह सुनकर हैप्पी मुस्कुराने लगा। उसे डिंपल की मासूमियत और उसका भोलापन भा जाता है। हैप्पी ने उसे छेड़ते हुए कहा, अगर गोलगप्पों को साइड पर रखते हैं तब आपको क्या क्या पसंद है? डिंपल ने और भी मासूमियत से कहा, साइड पर रखे हुए गोलगप्पे। ये सुनते ही हैप्पी जोर जोर से हंस पड़ा और डिंपल भी उसके साथ मुस्कुराने लगी। हैप्पी ने आगे पूछा, आप जॉब करती हैं ना? डिंपल ने कहा, जी नहीं, मैंने फैशन डिजाइनिंग की है और अपना बुटीक खोलना चाहती हूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हैप्पी ने उसका सपना सुनकर उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा। डिंपल ने धीमे से उससे पूछा, अगर मैं शादी के बाद भी ये काम करूं तो
आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? हैप्पी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डिंपल अगर तुम्हें मुझसे शादी करने के बाद अपने सपनों को तोड़ना पड़े या छोड़ना पड़े तो शादी का क्या मतलब? हमें अपने सपनों को उड़ान देनी चाहिए। मैं तो आपका साथ दूंगा आपके सफर में भी। यह सुनकर डिंपल भी बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर और बातें करने के बाद दोनों बाहर चले जाते हैं। कुछ समय में ही दोनों परिवार वाले एक दूसरे को मिठाई खिलाने आते हैं और शादी पक्की हो जाती है। हैप्पी और डिंपल चाहते थे कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन योग ना मिलने के कारण उन दोनों की शादी 8 महीने टल जाती है। यह सुनकर दोनों ही मायूस हो जाते हैं, लेकिन हैप्पी तो अपना हैप्पी है। फिर हैप्पी उसे समझाता है, अरे डिंपल अच्छा है ना, अब हमें समय मिला है तो हम मिल पाएंगे, थोड़ा एक दूसरे को और समझ पाएंगे, इसमें मन खराब करने वाली कोई बात नहीं है। डिंपल ने भोलेपन में कहा, लेकिन मेरी सहेलियां तो कहती हैं कि ज्यादा घुलने मिलने से हमारी बुरी आदतें सामने आ जाती हैं, और फिर आपने शादी से मना कर दिया तो? यह सुनकर हैप्पी जोर जोर से हंस पड़ता है और डिंपल झूठ मूठ नाराज होने का नाटक करते हुए कहती है, लो आपने तो अभी से मेरी बातों का मजाक बनाना शुरू कर दिया। हैप्पी ने कहा, अरे नहीं यार मैं मजाक नहीं बना रहा, बल्कि मुझे हंसी आ गई कि तुम सोचते क्या हो, हाँ शादी के बाद बुरी बातें सामने आई तो? अरे ऐसे कोई रिश्ता नहीं तोड़ता डिंपल, और बुराइयां किस में नहीं होती, अगर किसी की कोई बुरी आदत है तो उसे बदला भी तो जा सकता है ना। ये हैप्पी की बातें डिंपल के मन को छू जाती हैं और वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उसे हैप्पी जैसा ही जीवन साथी मिला। तभी हैप्पी ने उससे आगे कहा, और वैसे भी मैं तो तुझे पहली नजर में देखते ही तरियादा पर मर मिटा था, और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। कितनी अच्छी बात कही हैप्पी ने। हम लोग कई बार वो परफेक्ट साथी ढूंढने के चक्कर में उसे भी गंवा देते हैं जो हमारे साथ होता है। वो रिश्ता है क्या जो यूं ही टूट जाए? बल्कि सच्चा इश्क तो वो है जो टूटने के कगार पर पहुंच कर भी कभी ना टूटे। देखते देखते समय बीतने लगा और डिंपल हैप्पी का मिलना भी पड़ा। हैप्पी ने डिंपल से कहा कि वो खाली समय यूं ही बर्बाद ना करे, बल्कि अपने बुटीक पर ध्यान दे। अब हैप्पी ने अपने ऑफिस के पास एक शॉप को रेंट पर लिया और डिंपल का बुटीक शुरू करने की तैयारी करने लगा। लेकिन यह बात अभी तक डिंपल को पता नहीं है। दरअसल डिंपल का जन्मदिन आने वाला है और हैप्पी उसे तोहफे में देना चाहता है। डिंपल के बर्थडे वाला दिन हैप्पी ने उसी शॉप में पार्टी का बंदोबस्त किया और डिंपल के पूरे परिवार को और उसके कुछ करीबी दोस्तों को वहां बुलाया। वहां पहुंचकर सब उस बुटीक को देखकर हक्का बक्का रह गए। उस शॉप के बाहर लिखा हुआ है, डिंपल्स बुटीक। डिंपल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने तो अपनी सारी जिंदगी में नहीं सोचा था कि उसको इतना अच्छा लड़का मिलेगा। हैप्पी ने डिंपल से कहा, मेरा ऑफिस भी यहीं पास है, इसलिए मुझे यह जगह बहुत पसंद आई, तुम्हें कैसा लगा? डिंपल के पास अपनी खुशी को जताने के लिए शायद शब्द ही नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें हैप्पी से सब कह रही थी। कुछ देर बाद सबने पार्टी की और फिर सब अपने घर लौट आए। घर आने के बाद डिंपल ने हैप्पी को कॉल किया और कहा, हैप्पी मुझे बहुत ज्यादा प्यार व्यार पर भरोसा नहीं था, इसलिए कभी मैंने कोई अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। मैं तो बस यही सोचती थी कि जैसे बाकी रिलेटिव्स की जिंदगी है, मेरी भी वैसी जिंदगी होगी। और मैंने भगवान से ना कभी ये नहीं मांगा था कि मुझे बहुत प्यार करने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला कोई इंसान मिले, लेकिन मुझे आप मिले हो जो अपनी खुशी से पहले मेरी खुशी देखता है, अपने दुख से पहले मेरे दुख पूछता है। किस मिट्टी के बने हो आप? हैप्पी ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, ओए ओए बस बस, मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ा, नहीं तो वहां से उतारा नहीं जाएगा, अरे थोड़ा भारी हूं ना मैं। यह सुनते ही दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। लेकिन तभी डिंपल ने कहा, मुझे नहीं पता था हैप्पी की हमारी अरेंज मैरिज लव मैरिज में बदल जाएगी, मुझे खुशी है कि हमारी शादी हो रही है। यह सुनते ही हैप्पी तो खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसका तो बचपन से ही सपना था कि उसकी पत्नी उससे प्यार करे, उसका ख्याल रखे, और वो भी बदले में अपनी पत्नी के लिए यह सब करने के लिए तैयार था। धीरे धीरे इनका रिश्ता और गहरा होता जा रहा था और दोनों से अब यह दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
डिंपल का बुटीक भी चल पड़ा था। ये दोनों रोज शाम को मिला करते थे। अब एक शाम बहुत बारिश हो रही थी, दोनों गाड़ी में थे और हैप्पी इसी वक्त डिंपल को घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन रास्ते में हैप्पी की गाड़ी खराब हो गई। फिर उसने एक मैकेनिक को बुलाया। दोनों एक दूसरे के साथ बैठे बात कर रहे होते हैं कि डिंपल ने कहा, हैप्पी मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। ये सुनते ही हैप्पी ने कहा, ओए तो फिर मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं, ओए चल चल भीगते हैं बाहर। डिंपल ने उसे मना किया, लेकिन डिंपल के मुंह से निकले शब्द हैप्पी पूरा ना करे, ये कैसे हो सकता है भला। दोनों बारिश में बहुत भीगे और तभी वहां सामने एक भुट्टे वाला बैठा था। हैप्पी उससे भुट्टा लेने गया तो उसके बच्चे डिंपल के साथ आकर बारिश में भीगने लगे। अपनी डिंपल को बारिश में उन बच्चों के बीच बच्चा बना हुआ देखकर हैप्पी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। फिर भुट्टा खाते हुए दोनों कार में आकर बैठ गए। डिंपल मजे से भुट्टा खा रही थी और हैप्पी उसकी खूबसूरती को तकता जा रहा था। डिंपल का गीला बदन मानो हैप्पी को मदहोश करने लगा था और वो डिंपल को अपनी बाहों में भर लेना चाहता था। जैसे ही डिंपल ने देखा कि हैप्पी उसको देख रहा है तो वो भी उसको एक टक देखने लगी। हैप्पी की आंखों में खुद के लिए बेतहाशा प्यार देखकर डिंपल भी जैसे किसी जादू में खोसी गई थी। दोनों की सांसें तेज होने लगी। जहां बाहर बारिश से मौसम में ठंड घुलने लगी है तो वहीं यहां गाड़ी में गर्मी बढ़ने लगी है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के नजदीक पड़े और कसकर एक दूसरे को गले से लगा लिया। वो दोनों इस कदर एक दूसरे में डूबे हुए लग रहे हैं जैसे दो जिस्म और एक जान हो। इन दोनों के लिए एक नया एहसास है, लेकिन यह इन्हें सुकून दे रहा है। दोनों के बीच प्यार का बीज अच्छे से पनपने लगा है। देखते ही देखते 8 महीने का वक्त बीत गया और 2 दिन बाद हैप्पी और डिंपल की शादी है। उन दोनों ने 8 महीने कैसे निकाले हैं ये तो बस वही दोनों जानते हैं। डिंपल ने हैप्पी को फोन किया और हो गई सारी तैयारी। हैप्पी ने कहा, अरे हाँ यार बस हो गई है, कुछ मिठाई के डब्बे बचे हैं जो मैं रघु के साथ लेने जा रहा हूं, तू बता। डिंपल ने बहुत खुशी से कहा, मैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैचलर पार्टी करने जा रही हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है, बस 2 दिन है, जी लो अपनी जिंदगी, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें, हैप्पी ने डिंपल को छेड़ते हुए कहा। डिंपल ने कहा, अच्छा अच्छा चलो अब मैं रख रही हूँ, मुझे कॉल आ रहा है। हैप्पी ने कहा, हाँ हाँ जाओ जाओ, मौसम थोड़ा खराब है, जरा ध्यान से, तुम कहती तो मैं ही तुम्हें छोड़ा था। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, आप बस उधर की तैयारियां देखो। इतना कहकर डिंपल ने फोन रखा और जल्दी से गाड़ी चलाने लगी। हैप्पी का कहना बिल्कुल ठीक था, ये मौसम तो सच में बहुत खराब है। डिंपल अपने मन में बड़बड़ाई। एकदम से तेज बारिश शुरू हो गई और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। तभी डिंपल का फोन बजा। उसे उठाने के लिए जैसे डिंपल ने फोन की तरफ देखा, उसे सामने से आता हुआ ट्रक दिखाई नहीं दिया और उसकी गाड़ी धड़ाम की आवाज करती हुई सामने के ट्रक से जा टकराई। जैसे ही यह खबर हैप्पी तक पहुंची उसके होश फाख्ता हो गए। वो जहां खड़ा है वहीं जम सा गया। उसको लगा शायद उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो गई। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि एक्सीडेंट में डिंपल की दोनों टांगे चली गई हैं और वो अब कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। ये सुनते ही दोनों परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। डिंपल अभी भी आईसीयू में है, कोई उससे मिल नहीं पा रहा। पूरे 5 दिन के बाद डिंपल को होश आया। तब तक हैप्पी हॉस्पिटल में ही रहा था, वो एक पल के लिए भी डिंपल से दूर नहीं गया। हैप्पी जब डिंपल से मिलने अंदर गया तो बाहर हैप्पी के पेरेंट्स ने डिंपल के पेरेंट्स से कहा, माफ कीजिए आप लोग, लेकिन हम अब हैप्पी की शादी डिंपल से नहीं करवा पाएंगे। अरे अभी तो इसकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है और एक अपाहिज के साथ हैप्पी कैसे रहेगा। ये बातें डिंपल के पेरेंट्स के दिल में सुई की तरह चुभ रही हैं, लेकिन वो पहले से ये बात जान गए थे कि अब ये शादी हो नहीं पाएगी। वो लोग बस उनके सामने अपना हाथ जोड़ देते हैं। इधर डिंपल के रूम के अंदर डिंपल ने जैसे हैप्पी को देखा तो रोते रोते मुंह फेर लिया। मेरी किस्मत को नजर लग गई हैप्पी, हम मिलने से पहले ही अलग हो गए,
मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, लेकिन भगवान ने क्या कर दिया हैप्पी। हैप्पी ने डिंपल के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, ये तू क्या कह रही है डिंपल, सिर्फ एक एक्सीडेंट से तूने हार मान ली? अरे लोगों को क्या क्या नहीं देखने को मिलता, तेरे तो बस पैर। ये बोलते बोलते हैप्पी रुक गया, लेकिन थोड़ी देर बाद आगे बढ़ा और डिंपल से बड़े प्यार से कहा, डिंपल मैंने तुझसे प्यार किया है और मैं मरते दम तक तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला, मैं तेरा साथ हमेशा निभाऊंगा। आजकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, ओए हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे यार साथ में मिलकर। हैप्पी अभी ये सब कह रहा होता है कि उसकी मां अंदर आकर कहती है, ये तू कैसी बातें कर रहा है हैप्पी, प्यार व्यार दोबारा हो जाएगा लेकिन एक अपाहिज के साथ रहकर क्यों अपने पैरों में बेड़िया बांध रहा है तू। हैप्पी से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, उसने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी खबरदार जो आगे एक और शब्द कहा है तो, अगर यही हादसा डिंपल की जगह मेरे साथ हुआ होता तो डिंपल भी यही सोचकर मुझे छोड़ देती ना। नहीं मम्मी, जिंदगी ऐसे नहीं चलती, जब मैंने हाथ थाम लिया है तो मैं आखिरी सांस तक इसका साथ निभाऊंगा। और यकीन मानिए हैप्पी ने वैसा ही किया। डिंपल के ठीक हो जाने के बाद हैप्पी ने अपने पेरेंट्स की रजामंदी से डिंपल से शादी की और फेरों के दौरान डिंपल को अपनी बाहों में उठाकर अग्नि को साक्षी मानकर उसका साथ निभाने का वचन दिया। कमाल की कहानी है ना, यह होती है सच्ची मोहब्बत, जहां आप हर कीमत पर अपने प्यार का साथ देते हैं। हैप्पी ने यह दिखा दिया कि प्यार अगर सच्चा हो तो कोई भी दो प्रेमियों को कभी अलग नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि आपको हैप्पी की अदा जरूर पसंद आई होगी और एहसास और प्यार से भरी यह कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। वो क्या है ना, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब मैं लेता हूं आप सबसे विदा। जी हां, आपका क्रांति प्रकाश झा, यानी कि आपका अपना केपीजे। मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। हर बार एक ऐसी कहानी लेकर आता हूं जो मुझे और आपको, हम लोगों को जोड़ कर रखती है, क्योंकि दिल के मामले हमेशा जुड़े रहने चाहिए। जाते जाते आप सबसे एक ही बात कहूंगा, इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है। प्यार करते रहें, प्यार बांटते रहें, प्यार से रहें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। थैंक यू ऑल, लव यू वेरी मच।